सार्वजनिक स्थानों में खड़े दोपहिया वाहनों में डुप्लीकेट चाबी लगाकर वाहन चोरी करने वाले 15 शातिर चोरों को जबलपुर पुलिस ने अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चुराए हुए 125 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। पकड़े गए शातिर चोरों ने नरसिंहपुर, कटनी, हरदा सहित जबलपुर जिले से उक्त वाहन चोरी किए। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक IG उमेश जोगा, उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर रेंज RRS परिहार, SP तुषारकांत विद्यार्थी के निर्देशन में क्राइम ब्रांच और 15 से अधिक पुलिस थानों के बल ने उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया है। विदित हो कि जबलपुर पुलिस द्वारा चोरों के खिलाफ बीते एक माह से अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कबाड़ियों की चेकिंग, सार्वजनिक स्थल और पार्किंग स्थानों पर पुलिस नजर रख रही थी। सार्वजनिक स्थानों से जब्त किए गए 24 वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसिस नंबर व इंजन नंबर में छेड़छाड़ करना पाया गया है। जबलपुर पुलिस अब तक इन वाहनों के सही नंबर का पता करके वैधानिक कार्यवाही कर रही है। जबलपुर पुलिस के लिए वाहन चोरियां एक चुनौती बना हुआ था, उसमें हमारी क्राइम की टीम और थानों की टीम ने लगातार काम किया। हमारे एडिशनल SP CSP सुपरवाइज करते रहे और इस महीने लगातार अभियान चला के हमने 15 से अधिक चोरों को पकड़ा है और उनसे 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 125 वाहन भी जब्त किए हैं। इसमें संख्या और भी बढ़ सकती है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये सारे चोरों ने जिस तरह से ऑपरेट किया है कि डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते थे, सार्वजनिक स्थानों से वाहन चोरी करते थे और इसको कहीं ना कहीं कभी गिरवी रख के, कभी कम कीमत पर क्रय करके अपने इस धंधे को पनपा रहे थे। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके जीवन यापन के बारे में लगातार MEMS के आधार पर जब भी जेल से छूटेंगे हमारी चेकिंग लगातार जारी रहेगी, ताकि हमारी वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगा रहे। इसमें कटनी, आपका हरदा हो गया, नरसिंहपुर या आसपास के जिलों से चोरी किए वाहन भी हमें जब्त किए। रिपोर्ट जबलपुर।